न्यूज़पेपर से पतंग बनाना सीखेंगे और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो सबसे पहले हमने ये न्यूज़पेपर ले लिया, एक इस तरह से सिंगल शीट है, इसको चौरस हमने काटना है स्क्वायर में, ऐसे कॉर्नर से मिला के। पेंसिल या पेन से स्केल की मदद से हम लाइन भी लगा सकते हैं, और इसको काट लिया हमने, ये इस शेप में आ गया। जो तिल्ले वाली झाड़ू है उसकी 2 स्टिक्स ले ली हैं, 2 और चाहिएंगी। और ये जो मोटे वाली है इसको दोनों को एक साइड पे नहीं रखना, इसको पलट लेंगे हम ऐसे, एक साइड पतला और एक साइड मोटा कर लिया, और यहाँ से बराबर के लिए इसको तोड़ दिया। फिर टेप के साथ इसको यहाँ से बांध देंगे, यहाँ से इसको चिपका दिया। डबल करने से इसकी मजबूती और ज़्यादा हो जाएगी और ये सपोर्ट अच्छी दे सकेगा। फिर कम से कम 4 जगह इसकी हम सपोर्ट लगा लेते हैं इस तरह से, और साइज साथ में देख लें कि कितना चाहिए, इतना साइज हमें चाहिए। ऐसे थोड़ा सा छोटा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और यहाँ से हमने इसको तोड़ देना है। 2 सपोर्ट लग चुकी हैं और टेप से इस तरह की हमें 2 चाहिएंगी, एक इस तरह लगाने के लिए, वो थोड़ी बड़ी होगी, और एक सेंटर में लगाने के लिए। सबसे पहले सेंटर में ही लगाएंगे, सेंटर में लगाना ज़रूरी है, वो वाली जो कर्व में होती है उसको बाद में लगाना है। ये सेंटर वाली हम पहले फेविकॉल की मदद से या किसी ग्लू की मदद से इस तरह से, देखिए ये सबसे पहले ये लगाएंगे, थोड़ा सा हिलाता जा रहा हूँ मैं इसे ताकि ये प्रॉपर लग सके। इसको यहाँ से थोड़ा बहुत अगर कम भी रह जाती है ये स्टिक तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये स्टिक इस तरह से लग गई, अगर चाहें तो इसमें 1 सपोर्ट टेप की हम और दे सकते हैं बीच में, और ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद मैंने ये साथ ही रखा हुआ, ये सूखने के बाद ये इस तरह से, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, ये सूख गया। अगर उसको आप साथ ही चाहते हैं कि साथ ही रेडी हो जाए तो वहाँ पर टेप की मदद से उसको जोड़ सकते हैं। अब दूसरी स्टिक, ये एक और मैंने ऐसी रेडी कर ली है, और ये वाली थोड़ी पतली हो और लंबी हो तो बेटर है, ये झाड़ू वाली स्टिक। इनको थोड़ा सा कर्व देना है तो हम इसको हल्का सा ऐसे मोड़ के रख सकते हैं, थोड़ी देर इसको मोड़ेंगे तो ये झटके से खुलेगा नहीं जब हम पेपर पे इसको चिपकाएंगे। इस तरह से ऐसे करेंगे इसको, और इसके ऊपर ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने ये डायगोनली जो है सीधे वाली ये लगानी है स्टिक, ये जोड़नी है, और चाहो तो यहाँ पर इस तरफ से दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी बराबर जगह छोड़ के इस तरफ भी और इस तरफ भी छोड़ के निशान भी लगा सकते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि कहाँ एग्जैक्ट इसकी पोजीशन ठीक रहेगी, यहाँ पर। और अब एक साइड मैंने देख लिया है, यहाँ पे मैं ग्लू लगा दूँ, बिल्कुल किनारे तक, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर एक टेप भी लगा सकते हैं या इसकी भी मदद दोनों तरफ ले सकते हैं हम, इस तरह से 2 पेपर काट के। ये देखिए, ये छोटा सा है, और ये ताकि इसको अच्छी सपोर्ट दे इस तरफ हम लगा देंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हैवी हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे इस तरह से ले आएंगे,
ये वाला किनारा थोड़ा नज़दीक ही होना चाहिए और इधर से थोड़ा अंदर। यहाँ पर भी ग्लू लगा देंगे ये। इसको ऐसे मोड़ देंगे। फिर उसी तरह से एक ये वाली इस तरह से छोटी एक स्लिप बना के, और इसके ऊपर अगर हमें ज़रूरत है तो वो भी लगा सकते हैं। और इस तरफ आप इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी काइट तैयार हो गई है। अगर ये यहाँ से हिलता है तो इसको पहले ही चेक कर लेना है आपने कि ये आउट ना हो और प्रॉपर तरीके से पैक हो जाए दोनों तरफ से। ये इस तरह से आ जाए, एडजस्ट हो जाए। ये लग गया है। ये एक स्क्वायर ऐसे लेके और इसको कट करेंगे नीचे लगाने के लिए। ये सपोर्ट नीचे इसलिए लगती है ताकि पतंग का बैलेंस बना रहे, जो नीचे वाला हिस्सा है वो नीचे ही रहे और ऊपर वाला ऊपर ही रहे। दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। चलिए, और एक्स्ट्रा अगर आप चाहें कुछ तो ये राउंड ऐसे काट के सीजर्स के साथ ये भी लगा सकते हैं इसमें। कहीं पर भी, दोनों साइड में से कहीं पर भी आप इसको ये ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी काइट, लगभग तैयार है। फ्रेंड्स, ये हो गई है आपकी काइट तैयार। अब चैनल को करिए सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो तक और